हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, लेकिन इसे आज मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोया यूज किया है, फिर भी यह रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें हमने लेना है 1.5 कप चीनी। ये अराउंड 250 ग्राम चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ हमें पहले चीनी की चाशनी बना लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1.5 कप मैंने चीनी ली है, तो हम 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। और फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि चीनी जो है वो आसानी से घुल जाए जल्दी से। तो देखिए, यहाँ पर 1.5 कप पानी और 1.5 कप चीनी हमने डाल दी है। तो आप पानी थोड़ा सा कम लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, या तो आप इक्वल लीजिए या थोड़ा सा कम। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 से 3 बूंद नींबू के रस डाल दिए ताकि चीनी ठंडी होने के बाद जमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहें तो 2 से 3 इलायची डाल दें, हरी इलायची। नेक्स्ट इसमें मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है, या फिर आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मिला लेते हैं इसे अच्छे से, और हाई फ्लेम पर ही रखना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में चीनी में इस तरह से उबाल आ गया है, मतलब चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गई है। तो इस प्रोसेस में 4 से 5 मिनट में चीनी जल्दी से घुल जाती है, और अब फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे। तो ये जो चाशनी है, हमें 2 तार की 3 तार की नहीं बनाना है, बस ये थोड़ी सी ऐसे चिपचिप सी हो जाए, मतलब हमारी चाशनी बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, ये ठंडे होने पर थोड़ी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी एजेस निकाल दें, इसे 4 टुकड़ों में कर लें, या फिर 2 पीसेस में कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा ब्रेड यूज़ करूँगी, मैं इसे कट करके नहीं यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने घी रख दिया था जो मेल्ट हो गया है, अब इसमें हमने ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घी से है उस शाही टुकड़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो या तो आप इस तरह से इसे डीप फ्राई कर लें, या फिर आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड के स्लाइसेस पर घी अप्लाई कर लें और उसे से पैन पर रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, इसे पलट पलट कर इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए हमें इसका कलर, और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए। तो जब तक ये जो रस्क टोस्ट आते हैं जो हम चाय के साथ खाते हैं उसकी तरह क्रिस्प और उसके कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, निकाल लेती हूँ मैं इन्हें। ठीक इसी तरह से जो बाकी के हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ओरिजिनल आपने शाही टुकड़े देखे होंगे, तो जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर मिलते हैं, वो पूरी तरह से देसी घी में बनाए जाते हैं, उसे फ्राई भी देसी घी में किया जाता है। यहाँ पर जो हमने ब्रेड की स्लाइसेस के मैंने जो एंड्स नहीं निकाले हैं, उसका एक और बेनिफिट है कि वो बहुत ज़्यादा फिर तेल या घी अब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसके किनारे होने की वजह से। तो देखिए, मैं इस तरह से सभी ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा बर्तन मैं ले रही हूँ जिसमें हमने लेना है दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 500 ml दूध ले रही हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि जो आप दूध ले रहे हैं वो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में हम खोया, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो दूध आप कोशिश कीजिए कि भैंस का दूध इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, साथ ही में 2 चम्मच मैंने लिया है वैनिला वाला कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसकी स्लरी बनाने के लिए। आप चाहें तो पानी से इसकी स्लरी बना सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ठंडा दूध ले रही हूँ। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप या तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर लें, या फिर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है तो कस्टर्ड पाउडर की जगह आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं, तब तक दूध में भी उबाल आ गया होगा। तो देखिए, दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है हमने फ्लेम को लो कर देना है, और इसे लो फ्लेम पर अगले 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि दूध में थोड़े से और गाढ़ापन आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद जो हमने स्लरी बनाकर रखी हुई है ना,
कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर की, तो इस तरह से चलाते हुए ही डालें, कंटिन्यूस आप चलाते रहें, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ अगर बन जाएगी तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये स्मूथ सा बन गया है, क्रीमी सा दूध बन जाता है। साथ ही में अब जो कस्टर्ड वाला स्लरी है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कंटिन्यूस आप स्पैटुला चलाते रहें ताकि इसमें किसी भी तरह की गांठ गुठलियाँ नहीं बन जाए। तो अगले 5 से 6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूस इसी तरह पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ना रहे इसमें। तो देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है, तो जब तक ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता है, तो देखिए इस चम्मच को कितनी अच्छी तरह से कोट कर रहा है, मतलब ये बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो देखिए हमारा क्रीमी सा मिक्सचर बनके तैयार है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क, खोया कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर अब जो चाशनी है इसमें मैं 2 से 3 बूंद वैनिला एसेंस डालूंगी। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा एसेंस डाल दीजिए या रोज़ वाटर का एसेंस डाल दीजिए। तो देखिए हमारी चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ठंडी होने पर। नेक्स्ट अब ये जो चाशनी है इसमें हमने ब्रेड को डिप कर लेना है। तो चाशनी रखे हुए ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गर्म कर लिया है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई किए वैसे ही आप इमीडिएटली चाशनी में डाल दीजिए ताकि वो गर्म ही रहेगी उस वक्त। और अगर आप बाद में डाल रहे हैं तो आप चाशनी को एक बार थोड़ा सा और गर्म कर लीजिए, क्योंकि गर्म चाशनी को ब्रेड बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसी तरह मैंने सभी ब्रेड स्लाइसेस को चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से मैं इस टिन में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी ट्रे हो, जो भी बर्तन हो उस तरह का, उसमें आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं इसकी 2 लेयर बना रही हूँ ब्रेड की। अब यहाँ पर जो हमारे पास बची हुई चाशनी थी ना वो मैं इस पर डाल दूंगी ताकि ब्रेड जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि जो हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग डालने वाले हैं उसमें मिठास के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जितनी मिठास हो सके उससे हमें चाशनी से ही देना है। तो देखिए मैंने सारी चाशनी ऊपर से डाल दी है। नेक्स्ट जो हमने दूध, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था ना, वो हम जल्दी से इस पर डाल देंगे और सभी एंड से, सभी साइड से अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि ब्रेड के कोई भी स्लाइसेस ना दिखे। देखिए जितना भी मिक्सचर था वो हम पूरा इस पर डाल देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे मेजरमेंट्स बताए हैं, आपको 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, 12 से 13 ब्रेड के स्लाइसेस, तो आप एग्जैक्ट यही मेजरमेंट्स लीजिए। नेक्स्ट इस पर मैं थोड़ा सा खोपरे का बुरादा डाल देती हूँ, आपके पास है तो आप डाल दें या फिर आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इस पर थोड़ी मेरे पास ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी है वो डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने के लिए। तो आपने जो शाही टुकड़े देखे होंगे जो स्ट्रीट पर मिलते हैं उस पर इसी तरह की डेकोरेशन होती है, तो हम भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं इसी तरह से। थोड़े से बादाम डाल देते हैं थिनली स्लाइस्ड, थोड़ा सा मेरे पास पिस्ते का पाउडर रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस डेजर्ट को ट्राई कीजिए, ईद के लिए ट्राई कीजिए या फिर इफ्तार में ट्राई कीजिए और अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, आपके घर आने वाले सभी गेस्ट को ये पसंद आएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी जो चाशनी थी मैंने उसमें से 2 से 3 चम्मच बचा ली थी उसे हम ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है और सरफेस जो है वो शाइनी हो जाता है। तो चलिए अब इसे कट करके हम सर्व कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये शाही टुकड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।